नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। कल की वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और अस्तर लिया है। कपड़े को हमने ऊपर रखा है और अस्तर को नीचे रखा है। फिर हम इस तरह से साइड में पहले सिल लेते हैं। फिर हम अच्छे से इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें पलेटी डालेंगे। निशान तो हमने पहले ही लगा लिए थे जब हमने कटिंग करी थी, उसी में हमने बताया था कि प्लेट में निशान किस तरह से लगाते हैं। इस तरह से चारों पलेटे में हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पल्ला हमने तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरा भी पल्ला तैयार करा है, देखिए इस तरह से। तो अब हम बटन वाली पट्टी से लेंगे। तो सबसे पहले हम पल्ले को सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से, और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसको इस तरह से उल्टी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगाएंगे। अब हम बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे और फिर से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। तो अब हम काज वाली पट्टी सिलेंगे। ये देखिए, मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है। फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने काज वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम इसको बीच में इस तरह से सिलेंगे और इसमें हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने आगे का पल्ला तैयार कर लिया है। अब हम पीछे वाला पल्ला तैयार करेंगे। तो अस्तर को हम नीचे रखेंगे इस तरह से और कपड़े को ऊपर रखेंगे, और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे साइड से। साइड में ही हमें सिलाई लगानी है और पूरे में हम सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने देखी सिलाई लगा ली है। अब हम पीछे वाले पल्ले में पलेटे डालेंगे। एक इंच का मार्जिन लेंगे हम और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो एक पलेट हमने सिल ली है, अब हम दूसरी पलेट सिलेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी पलेट भी सिल ली है और पीछे का पल्ला भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम शोल्डर सिलेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने दोनों शोल्डर को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ हमने निशान नहीं लगाया था तो हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। अब हम इसका नाप बता देते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच थी तो 32 के दो भाग हुए 16 इंच, देखिए इस तरह से 16 इंच पर हमने निशान लगाया है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है तो 26 के दो भाग हुए 13 इंच, तो 13 इंच पर निशान लगाए हैं। तो अब हम बाजू को तैयार कर लेते हैं इस तरह से।
अस्तर को हमने नीचे रखा है और कपड़े वाली बाजू हमने ऊपर रखी है और इस तरह से साइड में सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने देखी सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके साइड में सिलाई लगाएंगे। पूरी लेस को हम इसी तरीके से सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू तैयार कर ली है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू तैयार करी है। देखिए तो अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। ये देखिए हमने कट लगाया है। एक कट हम आगे की तरफ रखेंगे और जो हमने बीच में कट लगाया है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप के इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो हमने डबल सिलाई भी लगा ली है और एक बाजू हमने सिल ली है इस तरह से और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। बाजू की मोरी हम 5 इंच लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे और जहाँ पर हम निशान लगाएंगे वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। दूसरी बाजू में भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लिए। देखिए इस तरह से। अब हम इस सिलाई को निकाल देंगे और नीचे से इस तरह से देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से पूरे में। अब हम इसमें पाइपिंग से लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको फोल्ड करके गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एक बार। फिर
फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको सीधी साइड रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसी तरीके से इसमें साइड में सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने पूरे गले में पाइपिंग बना ली है। देखिए हमारी कितनी गोल पाइपिंग बनी है और सुंदर भी लग रही है। तो इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है और इसमें हम काज बटन और तुरपाई भी कर लेंगे तो हमारा ब्लाउज पूरा तैयार हो जाएगा और इसमें हम डोरी भी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने काज बटन और तुरपाई भी कर ली है और इसमें हमने डोरी भी लगाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।